हरे कृष्णा राधे राधे। किसी की सूरत बदल गई, किसी की नीयत बदल गई, जब से तुमने पकड़ा मेरे हाथ मेरे कान्हा, मेरी तो किस्मत ही बदल गई। बोलो बाल गोपाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, बांके बिहारी लाल की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। क्या आपकी भी किस्मत बदल गई या अभी कृपा होनी बाकी है? अभी कमेंट करके अपने दिल का हाल बताओ। अब एक बहुत सुंदर सत्य घटना बताती हूं। ये एक भक्त के जीवन का प्रसंग है, बहुत सुंदर है, भावपूर्ण है, प्रेम से मन से भाव से सुनना। भक्तों का चरित्र हमें भक्ति मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। ठीक है, तो भक्तों की कथाएं जरूर सुना करो। ये कथा गुजरात के खेड़ा गांव की है। एक बहुत धनवान सेठ थे, उनकी एक ही कन्या थी, नाम था मानकुंवरी। कन्या जब 2 वर्ष की थी तभी उनकी माता जी का स्वर्गवास हो गया था। उस समय बाल विवाह होते थे, इसलिए सेठ जी ने अपने 8 साल की बच्ची का विवाह अपने से उच्च घराने में करवा दिया। पर विधि का विधान कहो या किस्मत की मार, वो कन्या 10 साल की अवस्था में ही विधवा हो गई। अब ससुराल में रहकर तो वो करे ही क्या, इसलिए सेठ जी अपनी कन्या को वापस अपने घर ले आए। सेठ जी के कोई और संतान भी नहीं थी, है ना, इसलिए सेठ जी का सब कुछ उनकी कन्या का ही था, और जमा धन भी इतना था कि 7 पीढ़ियां भी बैठ कर खाए। उस समय सामाजिक रूढ़ियों के चलते मानकुंवरी जी का दूसरा शादी नहीं की गई, और इसीलिए वो अपने पिता के साथ ही रहने लगी। कुछ दिनों के बाद वृंदावन से श्री गोसाई जी महाराज गुजरात पधारे। उन गोसाई जी महाराज के इस सेठ परिवार के साथ बहुत गहरे और पुराने संबंध थे। सेठ जी उन्हें अपने गुरु की तरह ही मानते थे। श्री गोसाई जी महाराज ने मानकुंवरी को ठाकुर जी के बारे में बहुत सी बातें बताई, उनकी लीलाएं सुनाई, है ना, और उससे पहले तो कुछ भी वो जानती नहीं थी। उन गोसाई जी ने मानकुंवरी जी का ठाकुर जी के साथ ब्रह्म संबंध करवाया। श्री गोसाई जी महाराज की बातों से मानकुंवरी इतनी ज्यादा प्रेरित हो गई और उन्होंने श्री मदन मोहन जी की सेवा ले ली। अब वो बड़े प्रेम भाव और भक्ति से ठाकुर जी की सेवा करने लगी। वो अपनी सेवा में इस कदर डूबी रहती थी कि घर से बाहर भी नहीं निकलती थी। हर समय हर पल अपने ठाकुर जी का ही चिंतन करती रहती, भजन कीर्तन करना, उनकी पोशाकें बनाना, सारी सेवाएं अपने हाथ से करती थी, उनके लिए खाना बनाना, सब चीजें अपने हाथ से। मानकुंवरी जी ने श्री मदन मोहन जी के स्वरूप के अलावा अन्य किसी भी स्वरूप के दर्शन नहीं किए थे, करे भी कैसे। 10 साल की आयु से मदन मोहन जी में उनकी ऐसी लगन लगी थी कि वो कहीं भी आती जाती नहीं थी, कोई सखी सहेली कुछ नहीं थी उनकी, उनका कहीं बाहर घर से निकलना ही नहीं होता था। उन्होंने श्री मदन मोहन जी की पूरे अपने जीवन सेवा की। जब मानकुंवरी जी 60 साल की हुई तो उनके पिता का स्वर्गवास हो गया। अब वो उस घर में अकेली ही रहती थी और मदन मोहन जी की सेवा में ही लगी रहती थी। उन्हें आने जाने वाले कहते कि भाई कहीं और चली जाओ, इतना बड़ा घर है, क्या करोगी, पर वो किसी की भी नहीं सुनती थी, बस वो और उनके मदन मोहन जी। उन्होंने कभी भी शारीरिक संबंध या फिर बच्चा लेने का ऐसा कभी भी नहीं सोचा। उनका जो सुख था, उनका संसार था, वो सब उनके मदन मोहन जी थे। अपनी बढ़ती आयु के चलते उन्होंने सेवा में कुछ सेवक रख लिए थे, क्योंकि अब उनसे काम ज्यादा नहीं होता था। पैसे की तो उनको कोई कमी नहीं थी, है ना, तो वो जितने भी चाहे रख सकती थी। बट शुरू में तो ये होता था कि वो अपने मदन मोहन जी का सारा काम खुद ही करना पसंद करती थी, बट इतने बड़े घर की देखरेख करना भी यही अपने आप में एक बहुत बड़ा काम होता है। अब क्या हुआ, देखो, विधि का विधान कहो या हमारे ठाकुर जी की लीला कहो, मैं तो ये मानती हूं कि वो भक्तों के जीवन में लीलाएं करते इसीलिए है ताकि हम जैसे पापियों को भी कुछ प्रेरणा मिल सके। एक दिन कुछ ऐसा ही हुआ। एक दिन एक वैष्णव भक्त उस गांव में आए। दिसंबर का ठंड का समय था। उस वैष्णव भक्त के पास लड्डू गोपाल जी की सेवा थी। उस भक्त ने गांव में रुकने के लिए, उस समय ना धर्मशालाएं ये होटल वगैरह तो होते नहीं थे, तो जब भी कोई गांव में आता था वो गांव के लोगों के साथ ही रहता था। तो उसने गांव के चौपाल में जाके भाई लोगों से पूछा कि भाई मुझे रुकने के लिए कोई जगह चाहिए, कोई वैष्णव घर हो, तो सब
सब ने उन्हें मान कुंवरी जी के घर के बारे में बता दिया और सलाह दी कि भाई वहीं जाकर रुको, वो वैष्णव भक्तों के लिए बहुत अच्छी जगह है और मान कुंवरी जी खुद भी वैष्णव भक्त ही है। अब वो उधर चले गए। वैष्णव भक्त जब मान कुंवरी जी के घर आए और रुकने के लिए प्रार्थना की तो मान कुंवरी जी ने इसे अपना सौभाग्य माना और अतिथि भाव से बड़े प्रेम और भाव से उनका स्वागत किया। अब वो वैष्णव भक्त मान कुंवरी जी को अपने ठाकुर जी की टोकरी देकर स्वयं नहाने के लिए तालाब पर चले गए। मान कुंवरी बाई जी ने श्री ठाकुर जी को जगाया। उस टोकरी में लड्डू गोपाल यानी हमारे कान्हा का बाल स्वरूप होता है जो बैठी अवस्था में होता है। मान कुंवरी जी ने भगवान कृष्ण के श्री मदन मोहन जी के अलावा अन्य कोई भी स्वरूप के दर्शन कभी नहीं किए थे। उनको तो लगता था बस कान्हा कैसे है जैसे मदन मोहन जी दिखते हैं, उनको पता ही नहीं था कि कान्हा जी के और भी स्वरूप है। वो तो हमेशा ही सोचती थी जैसे हमारे मदन मोहन जी है वैसे ही सभी के यहाँ ठाकुर जी का स्वरूप होगा। अब वो बाल गोपाल को देखकर बहुत आश्चर्य में पड़ गई और विचार करने लगी कि ठंड के कारण ठाकुर जी सिकुड़ गए हैं, है ना, उनके हाथ पैर अकड़ गए हैं और ठंड तो बहुत है ही है। अब वो सोचने लगी कि ये वैष्णव भक्त इतनी ठंड में अपने ठाकुर जी को अपने साथ लेकर जगह जगह घूम रहा है, भाई इतनी टोकरी में इनकी क्या ठंड रुकेगी। और ठाकुर जी के लिए उन्होंने ठंड का कुछ खास इंतजाम भी नहीं रखा, ये हल्की सी रजाई उनको उड़ा रखी है, बताओ भला इस हल्की सी रजाई से क्या कान्हा की ठंड रुकेगी। अब उनके जो सच्चे भक्त होते ना उनके मन में शुद्ध भाव आते और वो भी बस इसी तरह का विचार करने लगी और वो सोच रही है, वो सोचते सोचते रोए जा रही है, उनका मन बड़ा दुखी हो रहा था। अब वो करें तो क्या करें। अब उन्होंने गरम अंगीठी लेकर वो बैठ गई, तेल में तरह तरह की गरम औषधियां डाल के तेल को हल्का गरम किया और कुछ सुहाते सुहाते तेल से कान्हा जी के हाथ पैरों की मीड़ मीड़ कर मालिश करने लगी, गरम कपड़े लेके सिकाई करने लगी। मान कुंवर जी को लगा कि ठंड की वजह से ठाकुर जी के हाथ पैर जो अकड़ गए हैं वो खुल जाएंगे। ठाकुर जी को इतना कष्ट हुआ देखकर वो बड़ा दुखी हो रही थी और वो उनसे बार बार क्षमा भी मांग रही थी, उन्हें प्रेम से मना रही थी। मान कुंवरी जी को लग रहा था कि वो वैष्णव भक्त भोला है, उसे गलती हो गई, उसे सेवा का स्वरूप ही नहीं पता है, वो ठीक से ठाकुर जी का ध्यान नहीं रख सका। और वो भोली भक्त मान कुंवरी जी प्रेम से बढ़िया ठाकुर जी की मालिश कर उन्हें अच्छे से मोटी सी रजाई उड़ाकर उनके लिए बढ़िया भोग स्वयं बनाने के लिए गई और अपने ठाकुर जी को खुश करने के भाव से ना उन्होंने तरह तरह के पकवान बनाए। वो सोचे थे कि भाई हाथ पैर अकड़ गए, गरम गरम बनाती हूँ, गरम सीरा बनाती हूँ, हलवा बनाती हूँ ताकि उनको अंदर से भी गर्मी मिले। अब वो वैष्णव भक्त जब स्नान वगैरह करके वापस आया तो उसने देखा कि मान कुंवरी जी ने उनके ठाकुर जी को बढ़िया रजाई वगैरह उड़ा के लिटा रखा हुआ है। अब उस वैष्णव भक्त को बड़ी खुशी हुई कि अच्छा है, और उन्होंने भी मान कुंवरी जी के जो मदन मोहन जी थे उनके दर्शन किए और दोनों को साथ ही विराजित कर रखा था। अब उसके बाद जो वो वैष्णव भक्त था वो अपना भजन नाम कीर्तन करने में लग गया। अब मान कुंवरी जी ने भोग तैयार करके बढ़िया ठाकुर जी को भोग लगाया। मान कुंवरी जी का अभी रोज का नियम हो गया, वो रोज बाल गोपाल की मालिश करती, उन्हें ठंड से बचाने के लिए तरह तरह के यत्न करती रहती, रात में भी बार बार उठकर आती और देखती कि कहीं उनकी रजाई वगैरह सब ठीक है, क्योंकि उनको था ना कि भाई उनके हाथ पैर अकड़ चुके हैं और वो अपनी रजाई ठीक नहीं कर पाएंगे, और उनसे बार बार प्रार्थना करती रहती कि भाई वो आप अपने स्वरूप में आ जाओ। उनके मन में ठाकुर जी की छवि हमेशा मदन मोहन जी के रूप में थी, उन्हें इस तरह झुका हुआ बैठा हुआ देखना उन्हें बड़ा ही दुख देता था। वो अपने सेवकों से ना वैद्य जी से भी तरह तरह की तेल मंगवाती और ठाकुर जी को लगाती रहती, भाई इससे गर्मी मिल जाएगी, इससे गर्मी मिल जाएगी, और हमेशा उनकी प्रार्थना करती रहती। उनके शुद्ध भाव को देखकर श्री बाल कृष्ण भगवान श्री मदन मोहन जी के स्वरूप में आ गए। सोचो मतलब कितनी ही बड़ी बात है कि बाल गोपाल का जो शिव विग्रह बैठे हुए स्वरूप में होता है वो खड़ा हो गया। और कई लोग तो कहते हैं ये मूर्ति है, भगवान पता नहीं लोग कहते हैं तो उनको भी क्या सजाई मिलती होगी। अब उन्हें देखकर हमारी मान कुंवरी जी जब वो सीधे खड़े हो गए ना तो हमारी मान कुंवरी जी तो बड़ी ही खुश हुई। सच्चा भक्त जो होता है ना वो कभी दूसरे की गलतियां गिनवा कर उसे छोटा होने का एहसास नहीं करवाता, और यही फीलिंग मान कुंवरी जी के अंदर थी
इसलिए ही उन्होंने कभी भी वैष्णव भक्त को कुछ कहा नहीं, है ना। जो आम लोग होते हैं वो तो लड़ने ही लग जाएंगे, बट मानकुंवर जी का भाव था कि भाई ये भोला है, इसको कुछ पता नहीं है, है ना। अब वो वैष्णव भक्त वहां 10-15 दिन रहा और फिर एक दिन उसने मानकुंवर जी से बोला, माता जी अब मैं आज्ञा चाहूंगा और आगे बढ़ना चाहूंगा। अब ये सुनकर मानकुंवर जी तो बड़ा दुखी हो गई और बोली, भैया ठंड बहुत पड़ रही है, ठाकुर जी को इतनी ठंड में बाहर ले जाना सही नहीं है, इसलिए ठंड में यही रहो और फागुन में चले जाना। अब जो वैष्णव भक्त था वो मानकुंवर जी के शुद्ध भाव और भक्ति को जानता था, इसलिए उनकी बात मानकर वहीं रुक गया। भाई रहने खाने और रुकने की तो कोई कमी ही नहीं थी। अब मानकुंवर जी और जो दोनों ठाकुर जी थे उनकी सेवा तो मानकुंवर जी बड़े प्रेम से कर रही थी। रोज मानकुंवर जी दोनों ठाकुर जी को नहलाती, उनका श्रृंगार करती और वो ये सारे कार्य इतनी सुबह कर देती थी कि वैष्णव भक्त को किसी भी एक दिन सेवा करने का मौका ही नहीं मिला। वैष्णव भक्त तो जो थे वो ज्यादा से ज्यादा नाम जाप करने में, कीर्तन करने में अपना समय बिताते थे। मानकुंवर जी दोनों ठाकुर जी को बढ़िया रजाई और गर्म कपड़ों से ढक के रखती थी, इसलिए कभी भी वैष्णव भक्त को समझ ही नहीं आया कि उनके बाल गोपाल में कुछ परिवर्तन सा आ गया। भाई पूरा गले तक ढके हुए हैं, सिर्फ मुखी दिख रहा है तो कुछ पता ही नहीं चला। धीरे धीरे फागुन आ गया। अब फागुन जब लगा तब वैष्णव भक्त ने मानकुंवर जी से आज्ञा ली और अपने ठाकुर जी को टोकरी में बिठाने के लिए उठाया तो उसने क्या देखा, अरे ये तो बिल्कुल सीधे है। वैष्णव भक्त ने रजाई उठाकर देखा तो वो तो हैरान ही रह गया, उसे समझ ही नहीं आया कि ये क्या हुआ। वो मानकुंवर जी से बोले, मेरे ठाकुर जी कहाँ है? तो मानकुंवर जी ने बड़े भोलेपन से कहा, भैया यही तो तुम्हारे ठाकुर जी है, ठंड की वजह से अकड़ गए थे, बड़ी मुश्किल से मैंने इन्हें सीधा किया है। अब ये सुनते तो वो वैष्णव भक्त बहुत गुस्सा हो गया और मानकुंवर जी से बिल्कुल एकदम झगड़ा ही करने लग गया और बोला, तुम्हारे मन में कुछ तो खोटी है जो तुमने मेरे ठाकुर जी बदल दिए हैं। अब मानकुंवर जी ने उसे बहुत समझाया पर वो समझ ही नहीं रहा था बात को, उसको ये बात समझ ही नहीं आ रही थी ना कि जो लड्डू गोपाल का स्वरूप होता है बैठे हुए, वो खड़ा कैसे हो सकता है। बात इतनी बढ़ गई कि वो इस मसले को लेकर श्री गोसाई जी महाराज के पास गए। श्री गोसाई जी महाराज ने दोनों की बातें सुनी, फिर उन्होंने टोकरी में जो ठाकुर जी थे उन्हें देखा। श्री गोसाई जी महाराज को ठाकुर जी को देखने मात्र से, क्योंकि जब हमारे अंदर शक्ति होती है ना तो कान्हा हमसे डायरेक्ट बात करते हैं, है ना, तो शायद ऐसा ही गोसाई जी महाराज के साथ था। गोसाई जी महाराज ने जब ठाकुर जी को देखा तो उन्हें ऐसा लगा जैसे ठाकुर जी कह रहे हैं कि मैं मानकुंवरी के भाव के कारण, उनके प्रेम के कारण बाल स्वरूप से मदन रूप में हुआ हूं, क्योंकि इस भोले भक्त ने मेरे और किसी भी रूप के दर्शन नहीं किए, वो मुझे मदन मोहन के रूप में ही देखना चाहती थी और मैंने उसके मन की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। अब श्री गोसाई जी महाराज ने मानकुंवर जी की भक्ति को प्रणाम किया और उन्होंने वैष्णव भक्त को कहा कि ये तेरे ही ठाकुर जी हैं। इस पर मानकुंवर जी बोली, महाराज ये कोमल ठाकुर जी को ठंड में लेकर मारते हैं, ऐसे लोगों को ठाकुर जी की सेवा नहीं देनी चाहिए। अब गोसाई जी महाराज मानकुंवर जी के शुद्ध भाव और भोलेपन को देखकर हंस रहे थे। तब श्री गोसाई जी महाराज से सारी बात जानकर वो वैष्णव भक्त मानकुंवर जी के पैरों में पड़ गया और कहने लगा, मैं अब और कहीं नहीं जाऊंगा, बस आपके पास ही रहूंगा और आपसे भक्ति प्रेम सीखूंगा। देखा आपने, ऐसे है हमारे प्यारे नटखट नागर, भक्तों के लिए क्या नहीं करते। मानकुंवर जी का भी कितना निश्चल प्रेम था कि उन्होंने स्वरूप ही पलट दिया, हर समय घर में ही रहकर सिर्फ और सिर्फ मदन मोहन जी का चिंतन करके उन्होंने भक्ति का इतना शुद्ध भाव पा लिया कि क्या कहा जाए। उनकी दुनिया परिवार सब मदन मोहन जी थे, है ना। मैं कान्हा जी के श्री चरणों में प्रार्थना करती हूं कि वो हम सबको भी इसी तरह की निस्वार्थ निश्चल भक्ति दे। साधु बने तो मोह माया छूटे, दो शब्द कह रही हूं, साधु बने तो मोह माया छूटे, वैरागी बने तो छूटे तन, हरि तेरे से सच्चा प्रेम हो जाए तो तभी छूटे सारे मोह माया के बंधन, है ना। बोला लड्डू गोपाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, भक्त और भगवान की जय। अगर आपको मानकुंवर जी के प्रेम की ये कथा पसंद आई और मन में कान्हा जी की याद आई,
भक्ति कुछ दृढ़ हुई, आंखें कुछ नम हुई, तो कमेंट करना और जयकारा जरूर ही लगाना। साथ ही एक रिक्वेस्ट, प्लीज इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके सबके मन में भक्ति और सेवा का प्रचार प्रसार करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।